जो व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज काली तिल को वापस उठाकर ले आते हैं, उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। शरंभेश्वर महादेव, एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है शरंभेश्वर महादेव का, मदिरा पीने वालों के लिए मांसाहार व्यसन में, जुए में, पेश्यावृत्ति में, पर नारी में, गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए। पहले की कथा में उसका वर्णन किया है बेलपत्री का। शरंभेश्वर महादेव, एक बार सब बोलेंगे, कौन से महादेव? शरंभेश्वर महादेव। फिर जम के बोल लो एक बार, शरंभेश्वर महादेव। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है, तो शरंभेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए, शरंभेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी, शरंभेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ मिलेगा, हम कहाँ पूजन करने जाए? कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में, उसी मंदिर में जाओ, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे, अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा श्रम्भेश्वर महादेव का है। कुछ स्थान हमारे यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर स्थान निश्चित किए गए हैं, जैसे कैंसर आदि के मरीज के लिए हम लोग पहले भी कहते हैं कि त्रिजुगी नारायण का जल बड़ा महत्व रखता है। जिसका शरीर या जिसको एक पत्र आया है कि किसी को मिर्गी का झटका आना चालू हो गया था, उन्होंने पत्र में लिखा है कि श्रम्भेश्वर महादेव का आपने जो वर्णन करा था 31 बेलपत्र वाला, गुरुजी हमने वो 31 बेलपत्र वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा, और उन्होंने पत्र में लिखा है कि मिर्गी के झटके भी बाबा की कृपा से ठीक हो गए हैं, अब कोई झटके उनको आने। श्रम्भेश्वर महादेव का जो वर्णन है, श्रम्भेश्वर महादेव का जो गुणगान है, यह कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण में भागवत के प्रहलाद चरित्र को लाकर रखा गया है केवल श्रम्भेश्वर महादेव के प्रागट्य के लिए, ऐसा श्रम्भेश्वर महादेव का गुण। एक बार फिर आप लोग भूल ना जाओ उसके लिए एक बार फिर से बोल लो, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। ये श्रम्भेश्वर महादेव जैसे कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का क्या काम है? माता पार्वती ने बिदल उत्पल को मारने के लिए जो कुंदुक फेंका था, वो कुंदुक भगवान शंकर के पांव में जाकर गिरा था, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। जब हमारे यहां कोई दवाई नहीं लगती शरीर में, कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किडनी लीवर का रोग हो गया, या बीपी शुगर का रोग हो गया, शुगर लेवल में नहीं आ रही है, तो आप शंकर जी पे से जो बेलपत्र ला रहे हो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाओ। दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सारी जांचें कराओ, डॉक्टर के अनुसार चलो, डॉक्टर जैसा बताए वैसा करो, पर उस दवाई को भी शिव जी से कहकर कि बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को भी हम कुंदकेश्वर महादेव का प्रसाद समझ कर पाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ होगा। कुंदकेश्वर महादेव रोग मुक्ति के लिए होते हैं, और श्रम्भेश्वर महादेव, बोलो बोलो जरा जम के, व्यसन की समाप्ति के लिए।